अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सफ़ाज किचन। आज बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन लॉन्ग लाइफ है। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 ईयर तक इजीली रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। बस एक चीज़ कंसीडरेबल है कि आपने इसमें एक ड्रॉप भी पानी का ऐड नहीं करना। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए हम पानी की जगह कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पर 1/2 kg जिंजर और 1/2 kg गार्लिक लिया है। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। सबसे पहले जिंजर गार्लिक के हम छिलके अलग कर लेंगे। जिंजर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब गार्लिक को साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस कुछ हैवी चीज़ इसके ऊपर मारेंगे तो सारे छिलके इसके खुद बहुत अलग हो जाएंगे। ये इस तरीके से मैंने इसको किया है और ये देखें, बिल्कुल छिलके अलग हो चुके हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत कम वक्त में आपका बहुत ज़्यादा लहसुन बन जाता है। छिलके उतारने के बाद अदरक और लहसुन को 1/1 टिश्यू या कोई भी साफ़ कपड़ा आप ले सकते हैं, उसके साथ अच्छे से ड्राई कर लेंगे। लहसुन भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको ब्लेंडर जग में डाल के और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। इसमें ऑलमोस्ट 1/2 कप कुकिंग ऑयल जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे भी करना हो, बट फाइन पेस्ट बननी चाहिए क्योंकि इसमें पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। बहुत फाइन पेस्ट बना है लहसुन का। अब इसको हम ड्राई बॉटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से अदरक की फाइन पेस्ट बनाने के लिए बड़े पीसेस जो हैं अदरक के, उनके मैं स्मॉल पीसेस करूंगी। बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन गया है जिंजर का भी। अभी इसको जिसमें मैंने लहसुन पेस्ट ट्रांसफ़र किया था उसी में मैं अदरक पेस्ट भी ट्रांसफ़र कर दूंगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे सो दैट ये कंबाइंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बन जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार है। आप इसको 1 साल तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ाज किचन की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सफ़ाज किचन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सफ़ाज किचन को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।